डियर स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है, हैलोजेंस आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्टिफाई कि हैलोजन जो है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हैलोजन जो है, इसका आंसर क्या आ सकता है? हैलोजेंस हैव टेंडेंसीज to accept again one electron, accept again one electron. Therefore, they act as an oxidizing agent. They are oxidizing or decreases down the group. Fluorine is the strongest, is the strongest oxidizing agent while iodine is the weakest oxidizing agent. So halogens have tendencies to accept or gain one electron. Halogens के आखिरी शेल में seven electron होते हैं, सात electron होते हैं, उन्हें अपना octet complete करने के लिए एक electron की जरूरत होती है. इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट या गेन कर सकते हैं, और जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो इस तरह इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में डिक्रीज होती है. इट मींस फ्लोरीन जो है ये स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट among halogen. अब इसको हम chemical relation से, equation से जो है justify करेंगे. इनके जो reduction potential है, standard reduction potential से, तो fluorine is the standard reduction potential प्लस 2.87 वोल्ट, और इस तरह क्लोरीन का, तो देखिए क्लोराइड आयन, क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म में होती है तो क्लोराइड फॉर्म में होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, ले लेती है, तो इस तरह जो है इसका यू आएगा. अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो है वो गेन करेगी. यहां से ये पता चलता है कि फ्लोरीन जो है मोर ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन. क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका ये आएगा -1.36 वोल्ट,
अब इसका टोटल जो है ओवरऑल रिएक्शन यू आएगा एफ टू प्लस टू सी एल माइनस इलेक्ट्रॉन कैंसल टू एफ प्लस सी एल टू और ये आ जाएगा और आर जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा प्लस में आएगा तो ओवरऑल जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है इट मींस रिएक्शन इज फीजिबल कि इस तरह रिएक्शन होगा तो इसके रिवर्स जो है क्लोरीन जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती तो ये है जहां से जो है